दोस्तों, क्या आपने कभी उसैन बोल्ट को दौड़ते हुए देखा है? वो शुरू के 70 मीटर्स में बाकी कॉम्पिटिटर्स की तरह ही दौड़ रहे होते हैं, उनके साथ दौड़ रहे होते हैं, लेकिन लास्ट 30 मीटर्स में वो बताते हैं कि क्यों वो लास्ट 10 सालों से वर्ल्ड चैंपियन है। क्योंकि दोस्तों, जब उनकी लास्ट 30 मीटर्स की रेस देखते हैं तो कभी हमें विश्वास ही नहीं होता कि ये इतना तेज कैसे दौड़ रहे हैं। वैसे ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन है। आप शुरू के 70% टाइम में सिर्फ 30% प्रिपरेशन कर पाते हो, यानी कि शुरू का 70% टाइम जो है उतना इफेक्टिव नहीं रहता है, उतनी इफेक्टिव आप प्रिपरेशन नहीं कर पाते हो, लेकिन लास्ट के जो 30% टाइम है, लास्ट का जो 30% टाइम है, उसमें आप अपनी 70% प्रिपरेशन करते हो। तो दोस्तों, इसी के लिए मैं इस चैनल पे 2 मिनट वीडियो सीरीज लेके आ रहा हूँ, यानी कि उस 2 मिनट में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और वो कॉन्सेप्ट हो सकता है कि डायरेक्टली आपको एग्जाम में काम में आ जाए। केमिस्ट्री में ये चीज बहुत यूजफुल होती है। तो आप मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।